तो व्हाट्सअप गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों आपकी रील्स वायरल होने के लिए सबसे पहले यहाँ से दो एलिमेंट ऐसे होते हैं जो आगे यहाँ से आपकी रील्स को वायरल करते हैं, उसको बूस्ट करते हैं। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे एलिमेंट्स की, यानी कि दो एलिमेंट्स आपके ऐसे होते हैं जो आपकी रील्स को यहाँ से आगे बूस्ट करते हैं। आपने मेरे थंबनेल भी देख लिया, हुए एलिमेंट्स क्या है जो इससे कि आपकी रील्स वायरल हो जाए। एक तो हो जाता है यहाँ से आपका रीच और दूसरा हो जाता है एंगेजमेंट। ये दोनों ही चीज़ यदि आपके अकाउंट में अच्छी खासी आ रही है तो डेफिनेटली आप अपने अकाउंट की रीच को और यहाँ से आपकी जो रील्स होती है उसको इजीली वायरल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये दोनों रीच और इंगेजमेंट, इन दोनों को कैसे आप बढ़ा सकते हैं जिससे कि आपकी रील्स वायरल इजीली हो जाए। तो दोस्तों आज हम इसी वीडियो में बात करने वाले हैं। और दोस्तों आपको मैं कुछ तीन ऐसे इंपॉर्टेंट टिप्स बताने वाला हूँ या मेथड बताने वाला हूँ जिससे आप अपने अकाउंट की जो रीच होती है, इंगेजमेंट होता है, इन दोनों को यहाँ से आप अपने अकाउंट में ईजिली बढ़ा सकते हैं। वो कैसे करने हैं और यहाँ से आपको टिप्स क्या होने वाली है वो आपको स्टार्टिंग से वीडियो को एंड तक देखना है, जिससे कि आपको ये पता चल जाए कि यहाँ से आप अपने अकाउंट की रीच और इंगेजमेंट प्लस यहाँ से आप रील्स को कैसे वायरल कर सकते हैं। तो कर स्टार्ट, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों वीडियो शुरू होने से पहले एक छोटा सा काम कर लेना है, वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको इस चैनल पर सबसे पहले देखने को मिल जाएगी। और दोस्तों मैं आपको समय के साथ इंस्टाग्राम पर जो आने वाले अपडेट्स होते हैं वो यहाँ से अपडेट करने की कोशिश करता रहूँगा। तो कर स्टार्ट, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आपके अकाउंट की रीच और इंगेजमेंट ये दोनों अच्छे खासे आ रहे हैं और यहाँ से कुछ ऐसी रील्स होती है कि यहाँ से आपकी रील वायरल नहीं हो रही है, क्योंकि आपकी सभी रील्स वायरल नहीं होगी। यदि आप तीन वीडियो डाल रहे हो तो तीन में से यहाँ से लगभग एक रील्स वायरल होगी, क्योंकि यहाँ से इंस्टाग्राम पर ऐसा होता है कि यहाँ से आप कोई रील डालो और आपकी तुरंत वायरल हो जाए, ऐसा किसी को भी संभव नहीं होता है। सिर्फ उनका ही संभव होता है जिनके यहाँ से अच्छे खासे फॉलोअर्स हैं। मिलियंस में यहाँ से आप उनके व्यूज चेक कर लेना, आपके फॉलोअर चेक कर लेना, वो कभी भी रील डालेंगे उनकी ईजिली वायरल हो जाती है, क्योंकि आपका छोटा अकाउंट है। तो यहाँ से आपको धीरे धीरे यहाँ से आपके अकाउंट की ग्रोथ बढ़ना स्टार्ट होगी। वो कैसे ग्रोथ बढ़ना स्टार्ट होगी, रीच और प्लस इंगेजमेंट ये दोनों कैसे आपके बढ़ेंगे आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हमारा पॉइंट आ रहा है कि यहाँ से आपको क्या करना है, अपने अकाउंट को कंसिस्टेंसी रखना है, यानी कि अपने अकाउंट की जो रील्स होती है उसको डेली अपलोड करना है। अब आप ये बोलोगे कि भाई सभी ये बोलते हैं, मैं यूट्यूब पर चेक करता हूँ सभी ये बोलते हैं भाई रील वील डालो, भाई ऐसा नहीं है। आपको मैं अलग मेथड बताऊँगा, क्योंकि अब आप क्या करना है, यहाँ से आपको एक दिन में तीन वीडियो डाल ले हो, दो वीडियो डाल ले हो, आपको क्या करना है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है। आपको सिर्फ एक ऐसी रील डालनी है पूरे दिन में, यानी कि आपको एक ऐसी रील डालनी है पूरे दिन में जिससे कि यहाँ से आप अपने अकाउंट की जो फॉलोअर्स होते हैं प्लस जो आपकी रील्स यहाँ से आपको देखना चाहते हैं वो यहाँ से इंगेज हो सके, आप उसके साथ यहाँ से कनेक्ट हो पाओ। यदि मैं रील्स किसी को यहाँ से दिखा रहा हूँ तो समझ में आनी चाहिए कि भाई ये रील्स में क्या कहना चाहते हैं और यहाँ से इसका मतलब होना चाहिए। तो दोस्तों ये हो जाता है हमारा यहाँ से पहला स्टेप, यहाँ से कंसिस्टेंसी आपको रील्स अपलोड करना है, वो आपको बता दें मैंने कैसे अपलोड करनी है। तो दोस्तों आपको पहले टिप्स पता चली गई, दूसरी टिप्स में आपको ये करना है कि अपनी क्वालिटी को बढ़ाना है, यानी कि अपने क्वालिटी को इम्प्रूव करना है। जो आप रील्स अपलोड करते हो उसको यहाँ से हाई क्वालिटी में होनी चाहिए, क्योंकि जब भी यहाँ से आप अपने अकाउंट की रील्स को यहाँ से अपलोड करते हो हाई क्वालिटी में नहीं होती है। आप क्या करते हो, एक दिन में वही पहले वाला टॉपिक आया था, आप एक दिन में यहाँ से तीन रील्स अपलोड कर रहे हो पर तीनों में से सबकी क्वालिटी बेकार है। आप जो तीन रील्स में यहाँ से टाइम लगा रहे हो सिर्फ एक रील्स में लगाओगे तो डेफिनेटली आपकी जो क्वालिटी होगी प्लस जो यहाँ से इंस्टाग्राम की जो ऑडियंस होती है उसके पास जो आपकी रील्स जाएगी वो अच्छा खासा यहाँ से इंप्रेस छोड़ के जाएगी और आपकी रील्स इजीली वायरल होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। यहाँ से इंस्टाग्राम भी यहाँ से हाई क्वालिटी की जो रील्स होती है उसको जो लोगों के पास ज़्यादा रिकमेंड करता है। तो दोस्तों आपको क्या करना है, तो आपको क्वांटिटी छोड़ के क्वालिटी पे ध्यान देना है। तो दोस्तों ये हो जाता है मेरा दूसरा स्टेप। तीसरे स्टेप में आपको ये करना है, आपको तीसरे स्टेप भी रील्स अपलोड करने से रिलेटेड है, यानी कि आप अपने अकाउंट की जो रील्स होती है उसको आपने हाई क्वालिटी में भी कर दिया और यहाँ से रोज अपलोड ना करके सिर्फ एक क्वालिटी में आप टाइम दे रहे हो, पर जब तक यहाँ से आपकी अकाउंट की जो रील्स होती है उसका कोई मतलब नहीं होगा तो वो आपकी रील्स वायरल नहीं होगी। यदि आप नाच गाना कर रहे हो भाई कोई फायदा नहीं होने का, जब तक आपके अकाउंट की जो रील्स होती है लोगों के पास रिकमेंड हो रही है और उससे वो कुछ सीख नहीं पा रहा है, यानी कि आपकी एजुकेशनल वीडियो है जो भी हमारी रील्स देखें उससे कुछ सीखे, तो दोस्तों आपको क्या करना है, जैसे यहाँ से आपने देखा होगा कि बहुत सी यूट्यूब की टिप्स देते हैं, कोई इंस्टाग्राम की टिप्स देते हैं, कोई फेसबुक की टिप्स, यानी कि जो भी हमारे यहाँ से रील्स अपलोड हो रही है लोगों के पास यहाँ से जो रिकमेंड हो रही है वो यहाँ से लगभग कुछ सीख के ही जा रहा है अपने अकाउंट में। यदि आपके अकाउंट के पासवर्ड कैसे चेंज करना है, अपने अकाउंट को ग्रो कैसे करना है, तो यहाँ से कुछ टिप्स ही हो रही है, तो ये जिससे यहाँ से लोगों की मदद हो रही है वो यहाँ से एजुकेशनल वीडियो डालनी है। आपको क्या करना है, बस यहाँ से इन तीनों टिप्सों को अपने अकाउंट में फॉलो करना है, डेफिनेटली आप अपने अकाउंट को इजीली ग्रो कर पाएंगे।
दोस्तों जो हमारा मेन टॉपिक था रीच प्लस इंगेजमेंट, यदि आप तीनों अकाउंट में अपने फॉलो कर लोगे जो मैंने आपको टिप्स बताई है, डेफिनेटली आप अपने अकाउंट की रीच प्लस इंगेजमेंट इन दोनों को तो आप पढ़ा ही लोगे, यहाँ से आप अपने रील्स को भी इजीली वायरल कर पाएंगे। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो सुनोली और हेल्पफुल जरा सी भी लगी हो तो लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं किसी और टॉपिक्स एंड टिप्स के साथ। टेक केयर एंड बाय।